सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हाँ ये वीडियो कर्ली हेयर गर्ल्स के लिए है बट जिनके नेचुरली स्ट्रेट बाल हैं वो भी ये प्रोसेस आ, यू नो अपना सकते हैं इट्स जस्ट कि जो कर्ली हेयर गर्ल्स होती है उनके जो फ्रिज की प्रॉब्लम होती है ना वो ज़्यादा होती है बट येस अगर आप भी ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट्स और ज़्यादा महंगे महंगे प्रोडक्ट्स बिना लगाए अपने बाल ऐसे मैनेजेबल चाहते हो विदाउट एनी फ्रिज तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना एंड शुरू करते हैं सो हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम बैक टू येट एन अदर वीडियो आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और टाइटल से आप लोग पढ़ चुके हो कि आज का वीडियो क्या होने वाला है ये वीडियो मैं काफ़ी पहले बनाना चाहती थी बट तो ये इतना डिले हुआ बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने काफ़ी पहले फिगर आउट कर ली थी कि हाँ ये वर्क कर रही है बट कुछ चीज़ें फिर भी थी कि मैं उतनी ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं थी एंड नाउ दैट मैं अपना पूरा हेयर केयर रूटीन से परफेक्टली सैटिस्फाइड हूँ तो मैंने सोचा कि यार दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए सो वट दिस वीडियो इज गन बी अबाउट इज़ ये रहा बिफ़ोर ये रहा आफ्टर यहाँ मैंने सिर्फ नॉर्मली शैम्पू और कंडीशनर किया जो कि हम यूजुअली करते हैं यहाँ मैंने सिर्फ दो स्टेप एक्स्ट्रा किए हैं लिटरली फाइव मिनट्स आपको लगने वाले हैं उससे ज़्यादा नहीं एंड दिस विल बी द आफ्टर जितने भी कर्ली हेयर है गर्ल्स हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे ही ड्राई हेयर पर कंगी मारते हैं वैसे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी और इससे वॉल्यूमिनस हो जाते हैं बिल्कुल मैनेजेबल नहीं रहते सो so आप सिर्फ पाँच मिनट एक्स्ट्रा दो दो एक्स्ट्रा स्टेप करो एंड यू विल गेट दिस ब्यूटिफुल रिजल्ट एंड मैं अभी आपके सामने अपने ड्राई हेयर को कोम करके दिखा देती हूँ स्टिल नो फ्रेस एंड यस इतने एकदम टांगल फ्री स्मूद हेयर यूल गेट इन लिटरली फाइव मिनट्स डॉन्ट हाई शाइन एंड ब्यूटिफुल स्मूथ सिल्क की हेयर राइट तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखना एंड अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक दैट रेट सब्सक्राइब बटन ऑन द नोटिफिकेशन विल राइट नेक्स्ट टू इट नाउ विदाउट एनी फॉर द ब्लाबरिंग राइड इन द वीडियो सो यूजअली हम सबका हेयर केयर रूटीन बहुत सिंपल होता है like, इफ़ यू आर नॉट अ कॉन्टेंट क्रिएटर और लाइक यू डोंट पोस्ट लॉर ऑन सोशल मीडिया या फिर यू uh, नो you know, आपको ऐसे गैदरिंग वगैरह में जाने में प्रॉपर अपने हेयर स्टाइल करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो आप सिंपली क्या करते हो ओके यू जिस शैम्पू या हेयर अच्छे से एंड उसके बाद आप कंडीशनर लगाते हो उसके बाद आप अपने बालों को एयर ड्राई होने देते हो बाल जब सूख जाते हैं फिर आप कोम कर लेते हो एंड उससे रिजल्ट आता है ये बट आप देखो कि कितना ज़्यादा फ्रिज दिख रहा है बालों में एंड ये आई थिंक किसी को नहीं पसंद आता तो स्पेशली जो वेवी और कर्ली हेयर गर्ल्स हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही रहता है कि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी लगने लग जाते हैं जिसके वजह से एट दी एंड आप या तो अपने बालों को स्ट्रेट कर लेते हो जिसकी वजह से कि बहुत ज़्यादा हीट डैमेज होता है सिमिलरली या तो आप ब्लो ड्राई कर लेते हो उससे भी बहुत हीट डैमेज होता है और या फिर कर्ली गर्ल है रूटीन आप लोग फॉलो करते हो जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और उसमें मानो मत मानो बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है मैंने करके देखा हुआ एक दिन तो पूरा पूरा चला जाता है बट मेरे पास एक आसान तरीका है आपके बालों को बिफोर एंड आफ्टर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने का इन जस्ट फाइव मिनट्स तो देखते हैं कि आपको एक्चुअली करना क्या है तो सबसे पहले यू विल शैम्पू योर हेयर प्रॉपरली एंड इसके लिए आपको यूज़ करना है ल्यूकॉम टू कोल्ड वाटर मतलब ज़्यादा हॉट वाटर नहीं यूज़ करना बिकॉज उससे आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो जाता है तो आप शैम्पू एक बार नहीं दो बार करोगे एंड यू जस्ट हैव टू शैम्पू योर रूट्स जो शैम्पू है उसको आपको मिड्स और एंड्स पे नहीं लगाना है क्योंकि शैम्पू आपके बालों को ड्राई कर सकता है जिसकी वजह से अगेन फ्रिजीनेस होती है एंड अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम नहीं है या डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस स्टेप से पहले ओवरनाइट या दो तीन घंटे पहले अपने बालों को ऑयलिंग भी कर सकते हो उससे भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो उसके बाद आप हेयर कंडीशनर की जगह यूज़ करोगे हेयर मास्क क्योंकि ये कंडीशनर के कंपैरिजन में ज़्यादा नरिशिंग और ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होता है तो आपके बालों को लंबी टाइम तक मॉइस्चराइज और सॉफ्ट रखता है तो यहाँ पे मैं प्लम का हेयर मास्क यूज़ कर रही हूँ आप कोई भी हेयर मास्क यूज़ कर सकते हो जो आपके हेयर के लिए वर्क करता है तो आप उसको अच्छे से अपने मिड से लेके एंड तक लगाओगे मैं एक एक्स्ट्रा लेयर लगाती हूँ अपने एंड्स पे उसके बाद मैं अपने बालों को कोम करती हूँ एक टैंगल टीजर यूज़ करके या फिर एक वाइड टूथ कोम आप यूज़ कर सकते हो ताकि जितना भी कंडीशनर है वो पूरे बालों में अच्छे से इवनली अप्लाई हो और साथ के साथ जितने भी नॉट्स हैं वो सारे खुल जाएं ताकि जब आप आ, अपने बालों को इसके आगे स्टाइल करोगे तो तब आपके बालों में ज़्यादा नॉट्स ना रहें और वो ज़्यादा ना टूटे एंड दोनों तरफ अच्छे से हेयर मास्क अप्लाई करने के बाद मैंने पीछे बन बना लिया अब मैं इस तरीके से इसको दस से बीस मिनट जितना आपके पास टाइम हो उतना आप रखो जितना लंबा रखोगे उतना ज़्यादा बाल सॉफ्ट होते हैं एंड दस बीस मिनट इसको अपने बालों में रखने के बाद अगेन मैं कोल्ड वाटर से अपने बाल वॉश कर लेती हूँ लाइक एंड में मैं कोल्ड वाटर से रिंस करती हूँ बट आप चाहो तो ल्यूकाम वाटर यूज़ कर सकते हो मतलब इतना ही करना कि आपको ठंड ना लगे बस उससे ज़्यादा गर्म नहीं करना है पानी वरना बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे एंड आफ्टर यू रिंस ऑल द कंडीशनर ऑफ उसके बाद मैं एक्स्ट्रा वाटर उसमें से बालों में से निचोड़ लेती हूँ एंड उसके बाद मैं अपने बालों को ड्राई करने के लिए यूज़ करती हूँ एक माइक्रोफाइबर टाल या फिर एक कॉटन की टी शर्ट क्योंकि जो नॉर्मल टाल होते हैं उनके वजह से हमारे बालों में बहुत फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है फिर बाल बाल टूटने so, तो करो, या फिर अपना कोई भी का टी करो, it works really well. और जब तक मेरे बाल 50 to 60 ना हो जाए आधे घंटे के, के लिए मैं अपने बालों को इसी में रखती इसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे। Many hours later. तो अभी मेरे बाल काफी ज्यादा ड्राई हो चुके हैं इस कॉटन की टी शर्ट के अंदर ही ऑल तो मैं इतना ज़्यादा रखती नहीं हूँ अभी मेरे बाल लाइक फिफ्टी परसेंट ड्राई हो चुके हैं सो so, अभी आप देखो मेरे बालों में ना टेंगल्स नहीं है क्योंकि मैंने कंडीशन करते टाइम ही सारे टेंगल्स निकाल दिए थे बट स्टिल मैं एक बार ना ऐसे ब्रश रन करूँगी अपने बालों में ताकि अगर थोड़े बहुत नॉट्स वगैरह हो तो वो खुल जाए एंड अगेन मुझे पूरा प्रोसेस सेंटर पार्ट के साथ ही करना पसंद है क्योंकि अब मुझे लाइक like, अपने बाल नेचुरली भी सेंटर पार्ट में ही रखना पसंद है बाकी आप चाहो तो साइड पार्ट या कैसे भी कर सकते हो उतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है तो मैंने अपने बालों को ऐसा पार्टिंग कर लिया तो हमको केवल दो प्रोडक्ट्स की नीड रहेगी एक होगा लीव इन क्रीम सबसे पहले मैं एक लीव इन क्रीम यूज़ करूँगी इन क्रीम लीव इन कंडीशनर कुछ भी बोल सकते हो मैं अपने जितने दो तीन मेरे फेवरेट्स हैं वो नीचे लिंक कर दूंगी आजकल मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है बिकॉज़ ये बहुत अच्छा है सही में एंड ऑल्सो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है ये कोलवाना का लिव इन क्रीम है तो अभी मैं ऐसे थोड़ा सा अमाउंट अपने पाम में लूँगी लाइक मैंने इतना अमाउंट लिया हुआ है एंड नाउ आई विल रब इट वेल लाइक अच्छे से इसको इमल्सिफाई करूँगी देखो अच्छे से इमल्सिफाई करने के बाद मैं इसको अपने बालों में मिड से लेके एंड्स तक अच्छे से लगा लूँगी एन एस फिंगर्स से रेक करते हुए ऊपर की तरफ जाऊंगी ताकि जो हल्का फुल्का प्रोडक्ट मेरे हाथों में बचा है वो ही ऊपर भी लग जाए बट मेनली मैं इसे फोकस करूंगी मिड से लेके एंड के बीच में क्योंकि ऊपर स्कैल्प के पास में प्रोडक्ट बिल्डअप ज़्यादा हो जाता है एनी एनी वेज आपके जो बाल रूट्स के पास हैं उनको तो आपके नेचुरल हेयर से जो ऑयल नेचुरल आता है ना उससे भी मॉइस्चराइजेशन मिल जाता है नीचे जाते जाते, जाते, जाते जाते बाल ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं तो आप अच्छे से ये इन क्रीम या कोई भी इन कंडीशनर जो आपको पसंद है वो लगा लो अपने बालों में तो अभी मैंने दोनों साइड अपना इन क्रीम कर्लिंग क्रीम बोल लो इन क्रीम इन कंडीशनर जो भी था वो लगा लिया है नेक्स्ट स्टेप है सीरम ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि अभी जो आपने इन क्रीम या इन कंडीशनर यूज़ किया है उससे आपके बालों में मॉइस्चर आएगा लाइक हाइड्रेटेड रहेंगे आपके बाल क्योंकि कर्ली हेयर जो फ्रीजी हो जाते हैं उनका मेनली रीजन ये होता है कि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं लैक ऑफ मॉइस्चर की वजह से फ्रीजी हो जाते हैं तो अभी देखो मेरे बाल एकदम मस्त हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज लग रहे हैं वो क्रीम लगाने के बाद अब मुझे ये मॉइस्चर लॉक करना है ना इसके लिए आपको कोई ऐसी चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी ऑब्वियसली जो आपके मॉइस्चर को लॉक करे बाहर ना निकलने दे यू कैन यूज़ ऑयल्स इफ़ यू वांट बट मुझे लाइक ओवर द टाइम बाल ऐसे ग्रीसी ग्रीसी हो जाते हैं तो मुझे तो पसंद नहीं आते आई नीड समथिंग सुपर सुपर लाइट जिससे कि मेरे बाल हैवी भी ना हो एंड यह मॉइस्चर लॉक हो जाए फ्रिश टेम रहे और शाइन आ जाए तो मैं ऑयल्स के बदले यूज़ करती हूँ सीरम आ, मुझे आजकल ये दो सीरम काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं एक है प्लम का एक है बी ब्लंड का बी ब्लंड का जो ब्लू वाला था ना वो भी मुझे बहुत पसंद था बट आजकल मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आ रहा है आप देखो मैं इसको यहाँ तक यूज़ कर चुकी हूँ एंड इस वाले को भी मैं यहाँ तक यूज़ कर चुकी हूँ लाइक ये दोनों ही मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो मेरा जब जो यूज़ करने को मन होता है मैं वो तब यूज़ कर लेती हूँ तो आज मैं आप लोगों को ये वाला यूज़ करके दिखाऊंगी ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट लाइक फर्स्ट नंबर पे अभी मैं फ़िलहाल इसी को रखूँगी यह प्लम का कोकोनट एंड स्कोलेन न्यूट्रीशाइन हेयर सीरम नीचे लिंक कर दूँगी जैसे यूजुअली जो सीरम होते हैं हल्के से थिक होते हैं लाइक like, अगर आपने सीरम यूज़ किया होगा तो आपको उसकी कंसिस्टेंसी मालूम होगी इसकी कंसिस्टेंसी उससे बहुत पतली है ऑयल जैसी है तो मैं इसको भी एकदम अपने सारे स्ट्रैंड्स में मिड से लेके एंड्स तक लगा लूंगी और फिर जो मेरा ऐसे फिंगर्स पे लास्ट में बच गया है, उसको मैं इधर यहाँ पे स्कैल्प के साथ में लगाऊंगी ताकि मेरे बाल ऊपर से रूट से ऐसे ग्रीसी ना हो जाए कितना शाइनी शाइनी सा हो गया है एंड इसकी स्मेल इतनी अच्छी है इट स्मेल ब्यूटिफुल लाइक वो कोकोनट कुकीज़ जैसा इसका स्मेल आता है तो अभी मैं सेम दूसरे साइड पर भी लगा लूँगी फिर रूटीन काफ़ी ज़्यादा ईजी और क्विक है हो सकता है अभी वीडियो में देख के आपको काफ़ी ज़्यादा ताम लग रहा हो बट अगर आप इसको खुद एक बार करके देखना लिटरली पाँच मिनट में हो जाता है तो यस यही ये दो स्टेप थे जो मैं करती हूँ अभी मैं अपने बालों को एयर ड्राई होने दूँगी आप चाहो तो ब्लो ड्राई भी कर सकते हो बट अगेन जैसे हॉट एयर लगती है बालों में तो फिर से बालों में ना ड्राइनेस हो जाती है उसके वजह से बाल और फ्रिजी हो जाते हैं तो मैं ट्राई करती हूँ आजकल कि मैं बहुत ही कम हीट अप्लाई करूँ मतलब किसी शूट के लिए अगर मुझे स्ट्रेट हेयर चाहिए मैं तभी ही बस हीट अप्लाई करती हूँ मुझे इसके बाद एक शूट है तो उसके लिए मुझे तो करना पड़ेगा बट मैं अभी नहीं करूँगी मैं आप लोगों को पहले दिखाऊँगी कि मेरे बाल एयर ड्राई होकर कैसे लगते हैं एंड यस आई विल बी बैक वंस माई हेयर इज़ ऑल ड्राइड ओके okay, सो so अभी मेरे बाल पूरी तरीके से सूख चुके हैं अब आप बिफोर और आफ्टर में फ़र्क देखो आई प्रॉमिस मैंने ऑफ कैमरा कोई चीटिंग नहीं करी है मैं सिर्फ अपना मेकअप करके और बाल ड्राई करके आई हूँ मेकअप भी इसलिए कर रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी तो सोचा एक शॉर्ट बना लूँ तो आपको ये न्यू मेकअप देखने को मिलेगा मुझे अपना मेकअप भी बहुत अच्छा लग रहा है बट 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 कमिंग टू द पॉइंट आप देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है इसमें मेरे बाल कितने अनमैनेजेबल लग रहे हैं और सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस जो आप नोटिस करोगे कि मैंने लिटरली आई शो यू मैंने अपने बालों को प्रॉपरली कोम्ब किया हुआ है ऐसा नहीं है कि मैं आपको यू नो इल्यूजन दे रही हूँ मैं आपको अभी आपके सामने मैंने अपने बाल पूरे कंघी कर लिए ठीक है एंड अभी आप देखो इसमें और इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है वैसे मैं बाहर नहीं जा सकती थी बट इस तरीके से मैं बिना और कोई हेयर स्टाइल किए या और कोई हेयर स्टाइलिंग किए हुए आई कैन स्टेप आउट तो इतना ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है सिर्फ पाँच मिनट एक्स्ट्रा देने को आफ्टर योर शैम्पू एंड योर कंडीशनर सिर्फ ये दो और स्टेप करो एंड योर हैवी लुक सो गुड राइट तो यस मैं इसको काफ़ी टाइम से फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी अ वे जिससे कि ऑल माई कर्ली हेयर गर्ल्स अपने बालों को अच्छे से मैनेज कर पाएँ अपना फ्रिज टेम डाउन कर पाएँ फाइनली आई हैव द वे एंड मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आयो नीचे कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये वीडियो और अगर आप ये मेथड ट्राई करते हो और आपके लिए भी काम करता है तो भी मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना एंड येस yes, अगर वीडियो अच्छा लगा हो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करके बताना कि और कौन सा वीडियो देखना चाहते हो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू इट, सो दैट टाइम आई अपलोड न्यू वीडियो यू गेट नोटिफाइड नाउ आई विल सी यू सुपर सुपर सून एंड मै नैक्स्ट विले सेफ स्टेल्दी बाय बाय